हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और एक मॉड्यूल है टर्टल नाम का, जिसके लिए मैंने कोड लिखा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टर्टल मॉड्यूल को यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो आप पाइचाम ओपन कीजिएगा और यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा पाइथन 3.10 लिखा हुआ है प्रोजेक्ट। यहाँ पर जाइएगा और इंटरप्रेटर सेटिंग पे चले जाइएगा और इंटरप्रेटर सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर प्लस का निशान नजर आएगा, यहाँ पर जाकर के आप टर्टल मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर टर्टल ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर इंस्टॉल दिया गया इंस्टॉल पैकेज, तो इसके पैकेज को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर आपको ये कोड लिखना है। ये कोड देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का कोड है, ठीक है। और ये टर्टल का कोड है, पहले मैं दिखाता हूँ कि ये कोड काम कैसे करेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इसको चलाया हमने तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है। यहाँ पर ये ऊपर ऑरेंज बना और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल तिरंगा जो झंडा होता है हमारा, बिल्कुल वही जो है ये बना करके दे रहा है, ठीक है। आप इसे एज अ प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और ये काफी आसान है, ठीक है। और बताता हूँ इसको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है इसमें, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये तिरंगा बन जाएगा आपका, और इस तिरंगे झंडे को तो मैं सलाम करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए इसमें कैसे कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्ट करना है टर्टल को, टर्टल से ही टर्टल को इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट टर्टल फ्रॉम टर्टल और यहाँ एस्ट्रिक लगा दीजिएगा। अब स्क्रीन में क्या है, तो स्क्रीन इज इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन करना है, ठीक है। टी इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल करना है, टर्टल का टी कैपिटल रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें देखनी होंगी आपको, आपने स्क्रैच प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो पेन अप पेन डाउन के बारे में पढ़ा होगा, तो इन्हीं सब का यूज है। और यहाँ पर पहला कलर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर टी डॉट कलर किया है, ऑरेंज कलर रहेगा और ये फिल करेगा पूरा। और फॉरवर्ड कितना जाएगा, 800 फॉरवर्ड जाएगा, राइट 90 जाएगा और फॉरवर्ड फिर जाएगा 167, फिर यहाँ पे 90 जाएगा, फिर यहाँ 800 जाएगा और फिल करेगा इसे, ठीक है। फिर यहाँ 90, फिर 167 ये दिया गया है। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, देखिए ये टी डॉट कलर ग्रीन किया गया है और फिर वही कि फिल करेगा फॉरवर्ड में कितना, लेफ्ट में कितना, फिर फॉरवर्ड में कितना, लेफ्ट में कितना, ऐसे करके इसे फिल करवाया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लू कलर आएगा, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पर नेवी ब्लू कलर आ रहा है, नेवी कलर, तो यहाँ पर भी इसे फिल करवाया गया है, ठीक है, पेन अप पेन डाउन करके। और यहाँ पर फिर लास्ट में व्हाइट कलर है, जो बीच वाला कलर है वो व्हाइट कलर है आपका, ठीक है। और यहाँ पर नेवी, ठीक है। और फिर इस तरीके से करके एक बीच में सर्कल भी बनेगा, तो सर्कल के लिए मैंने ये इस तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हैं। और इस तरीके से करके ये पूरा प्रोग्राम तैयार होगा और जब इसे चलाएंगे तो कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा, तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है ना।